चिच्चोर से सावन को आने दो तक जरीना वहाब की सुपरहिट फिल्म में जिनसे उन्होंने जीता था सबका दिल। बॉलीवुड की दुनिया में अपनी शानदार एक्टिंग से पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस जरीना वहाब आज अपना 62वां जन्मदिन मना रही है। जरीना का जन्म 17 जुलाई 1959 को विशाखापट्टनम में हुआ था। जरीना ने 80 और 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दी है। उन्हें कई भाषाओं में महारत हासिल है। जरीना के बर्थडे पर आज हम आपको उनकी सुपरहिट फिल्मों के बारे में बताते हैं। जरीना ने बॉलीवुड में कदम रखने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। उनके सांवले रंग और लुक्स की वजह से कई फिल्में उनके हाथ से निकल गई, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। जरीना पहले फिल्म गुड्डी से बॉलीवुड में कदम रखने वाली थी, मगर ये फिल्म उनके हाथ से निकल गई और जया बच्चन इस फिल्म में नजर आई। जरीना को फिर चिच्चोर फिल्म से पहचान मिली। इस फिल्म को देखने के बाद सभी उनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए थे। चिच्चोर में जरीना के साथ अमोल पालेकर लीड रोल में थे। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए थे। इसके बाद जरीना और अनमोल ने कई फिल्मों में साथ में काम किया। सावन को आने दो फिल्म में जरीना के साथ अरुण गोविल लीड रोल में नजर आए थे। इसके अलावा अमरीश पुरी भी फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आए थे। ये फिल्म ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। इसके गानों को भी बहुत पसंद किया गया था। घरौदा, जरीना वहाब और अनमोल पालेकर ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। इसमें से एक घरौदा भी है। जरीना की बेस्ट फिल्मों में से ये एक है। इस फिल्म ने कई अवार्ड अपने नाम किए थे। जज्बात, जरीना ने कई सेलेब्स के साथ काम किया है। वो राज बब्बर के साथ फिल्म जज्बात में नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया था। गोपाल कृष्ण, जरीना वहाब और सचिन पिलगांवकर ने फिल्म गोपाल कृष्ण में काम किया था। राजश्री प्रोडक्शन के तले बनी इस फिल्म में जरीना राधा के किरदार में नजर आई थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल एंड फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।